हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एम के एंगलर असम। आप लोगों को मैं इस रील का अनबॉक्सिंग करूंगा और इस रील का 20 डेज का मैं रिव्यू दूंगा। यह है कास्किंग का रॉयल लीजेंड 2 और इस बार इसको लाया हूं कास्किंग का, ये लाया हूं नया रील और भोपाल से लाया हूं मैं। अभी ये हो गया मेरा लुकाना प्रेडेटर रील। 1.5 साल हो गया इसको यूज किया हूँ मैंने। अभी इसको मैं आराम करने के लिए रख दूंगा और नेक्स्ट है ये रॉयल लीजेंड 2। ये 20 डेज हो गया मैं यूज किया हूँ इसका। मैं 20 डेज का रिव्यू दूंगा आप लोगों को। आप लोग ध्यान से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मज़ा आने वाला है। कास्किंग का जो ब्रांड है ये बहुत बेहतरीन ब्रांड है और जो रिव्यू है 20 डेज का मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दूंगा। इस 20 डेज में मैंने क्या प्रॉब्लम पाया है, क्या मैंने सही पाया है कास्किंग का रॉयल लीजेंड 2 और जो नया जो कास्किंग का स्पार्टाकस प्लस है उसको भी मैं बाद में रिव्यू दूंगा जब यूज़ करूंगा मैं। फिलहाल आप लोग अभी वीडियो को देखिए। ये जो है रॉयल लीजेंड का स्पार्टाकस प्लस, ये देखिए कास्किंग का लोगो और ये जो यूजर मैनुअल है इसको संभाल के रखिए। ये है कास्किंग का लोगो, ये है यूजर मैनुअल, उल्टा हो गया। इसको आप लोग संभाल के रखिए क्योंकि इसमें आप लोगों को जो पार्ट्स होगा रील का वो सब मेंशन है यहाँ पे। और ये है मेरा नया स्पार्टाकस प्लस, तो आप लोग देखिए इसको। बड़ा बल्की हैंडल है, मोटा हैंडल है रॉयल लीजेंड 2 से। और बाकी जो स्पूल है स्पूल तो सेम ही रहेगा, इतना डिफरेंट नहीं होगा। और बाकी 11+1 बॉल बेयरिंग के साथ आते हैं, बड़ा स्मूथ होगा। इसमें आवाज़ शायद नहीं आने वाला है क्योंकि इसका बॉल बेयरिंग ज़्यादा है। जो रॉयल लीजेंड 2 है इसमें अभी 20 डेज में थोड़ा थोड़ा आया है उसका साउंड। और ये डबल ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है स्पार्टाकस प्लस। ये अंदर जो है इसको आप लोग सेटिंग करके जो बाहर का जो मैग्नेट है उसको आप लोग बाद में सेटिंग कर सकते हैं। ये बैकलेस आने वाला शायद नहीं होगा, मैं इसको यूज़ करके आप लोगों को मैं बताऊंगा। जो रॉयल लीजेंड 2 वो भी बेहतरीन रील है क्योंकि वो बहुत लॉन्ग कास्ट होता है, अच्छा डील है। कैगिंग्स का बॉल बेयरिंग स्पार्टाकस से कम है फिर भी अच्छा डील है, बहुत दूर तक जाता है। बाकी इसमें तो अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया, सिर्फ साउंड का प्रॉब्लम है। शायद अंदर पानी घुसा है इसलिए इसका जो ऑयल है वो ख़त्म हो गया, शायद इसलिए थोड़ा आवाज़ आ रहा है। इसको मैं ऑयलिंग करना पड़ेगा मुझे। दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये देखिए रॉयल लीजेंड 2 का स्पूल और ये स्पार्टाकस का स्पूल है। ये देखिए स्पार्टाकस जो है डबल ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आते हैं और जो रॉयल लीजेंड है सिंगल ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है जो मैग्नेटिक है, और स्पार्टाकस का भी मैग्नेटिक है। ये देखिए दोनों बराबर ही है आप लोग देखिए, लेकिन जो कास्किंग का जो रॉयल लीजेंड 2 है उसका जो धागा निकालने वाला जो होल है वो थोड़ा मतलब वाइड है और जो स्पार्टाकस है वो थोड़ा नैरो है, यही समझ लीजिए डिफरेंट है।
और देखता हूँ जो स्पटक कास्ट है वो कास्ट करने से दूर जाता है कि नहीं जाता। आप लोग फिलहाल वीडियो को देखते रहिए। आप देखिए ये जो मेरा धूमेक्स है लुकाना का जो धूमेक्स है इसमें मैं रॉयल लीजेंड 2 इसको लगाऊंगा। फिलहाल लुकाना का ये जो है इसका भी रिटायरमेंट कर दिया, मैं इसको रख दूंगा। और ये रॉयल लीजेंड 2 इसको लगाया, क्यों लगाया ये भी बताता हूँ मैं। ये जो रील सेट है धूमेक्स का, रील सेट बहुत छोटा है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ इसी से ही। ये देखिए इसका जो रील सेट है ये फूजी है, इसमें क्या है ये वाला छोटा है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं उजू गुरुदा से। मैं दिखाता हूँ ये उजू गुरुदा है, ये देखिए इसका बड़ा है उजू वाला, और ये धूमेक्सो है इसका छोटा है, इसीलिए थोड़ा ये देखिए स्पॉट आया है इसमें। मैंने इसको लुकाना प्रेडेटर डील इसमें घुसाया था तो इसमें ये प्रॉब्लम आ गया इस साइड में, ये मतलब 100% अंदर नहीं जाता। एक बार मछली लगा था वो डील ऊपर निकल गया, तो इसीलिए ये जो रॉयल लीजेंड है ये वाला इसके लिए परफेक्ट है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसमें, ये देखिए मैं दिखाता हूँ इसको, ये देखिए थोड़ा जा रहा है ये, इसीलिए इसको मैं चेंज कर दिया। रॉयल लीजेंड 2 जो रील है इसको धूमेक्स में मैं लगाया। और ये नेक्स्ट अभी जो है पाटाकास जो है इसको मैं जो स्पार्टाकास है इसको मैं अभी उजू गुर्दा में लगाऊंगा इसको। ये वाला रील सेट वाइड है, वो नेरो है थोड़ा, ये वाला वाइड है इसीलिए इसमें पूरा अटैच हो जाता है। और रील परफेक्ट है, इसमें एक प्रॉब्लम आया है, ये जो सिरामिक का जो ये है इसमें दो साइड में फटा हुआ है, ये देखिए दो साइड में फटा हुआ है, तो इसमें थोड़ा डर है मुझे टूट ना जाए। आमिर खान भाई को मैंने बोल दिया, इसका वीडियो भी दिया, देखता हूँ रिप्लाई क्या आता है। और बाकी रील तो बहुत अच्छा है, ये वाला जो हैंडल का जो नॉब है ये बहुत मोटा है और प्लेन नहीं है, थोड़ा राफ जैसा है, क्रिपिंग अच्छा है इसका। और ये वाला देखिए और ये वाला देखिए इसका कंपेयर देखिए, ये मोटा है, ये वाला देखिए ये वाला मोटा है, जो स्पार्टाकास प्लस है इसका मोटा है, और ये रॉयल लीजेंड वाला थोड़ा थिकनेस कम है इसका। बस सही है, बाकी आगे दिखाऊंगा मैं इसका रिव्यू। जो नया रील है इसका जो बॉल बेयरिंग है वो 11+1 है, ये भी देखिए इसका जो बॉल बेयरिंग है ये 11+1 है, इसीलिए ये स्मूथ है। और इसका जो बॉल बेयरिंग है ये 6+1 है, तो इससे कंपैरिजन में ये जो नया जो है स्पार्टाकास ये वाला स्मूथनेस ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि बॉल बेयरिंग ज़्यादा है तो स्मूथली वो मूव करेगा, कोई साउंड नहीं आएगा इससे, इसमें से कोई साउंड आने वाला नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा आता है। अभी 20 डेज हो गया इसको, थोड़ा आता है, बाकी दिखाता हूँ बाद में आप लोगों को मैं मछली पकड़ के तो कैसा होगा इसका रिव्यू मैं ज़रूर करूँगा।
फिलहाल वीडियो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।